इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज शहर के अहम खबरों में सियासी सरगर्मियां जारी, मंगल आंगड़ी के लिए भाजपा की जानिब से चुनावी इजलासों का एहतमाम, तो सतीश जारकीड़ी के लिए कांग्रेस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में इजलासों का एहतमाम, घर घर जाकर तशहीर जारी, कोरोना के मद्देनजर नई हिदायत हुकूमत की जानिब से, मेले यात्राओं उर्स के इजलासों पर पाबंदी, बड़गांव हजरत निजामुद्दीन दरगाह का उर्स भी किया गया रद्द, इंतजामिया का ऐलान, पहली से 90 तक के क्लासेस को फिर से बंद करने का ऐलान, पीरवाड़ी अब ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में हुई तब्दील। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि रियासत में सदारती कानून को नाफिज किया जाए, वही अदालत ने ऑपरेशन कमल मामले में येडियुरप्पा की तहकीकात का हुक्म दिया, पर इससे पहले सोशल मीडिया में भारत के वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर जो चर्चा जारी है, इस पर एक नजर। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक बार फिर तंज और मजाया का मौजू बनते दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वजह है बांग्लादेश में जाकर जो बयानबाजी हमारे वजीर आला ने की है, इस पर वैसे प्रधानमंत्री अक्सर कुछ ना कुछ कहकर सुर्खियां तो बटोरते रहते हैं, वैसे तमाम भाजपाई इस मामले में काफी माहिर है कि कुछ भी बोलो और बोलते जाओ, लिहाजा बांग्लादेश की आजादी के लिए खुद प्रधानमंत्री ने जेल तक जाने की बात कही। इस पर मुख्तलिफ मीडिया, गोदी मीडिया छोड़कर बहस छिड़ गई है कि वैसे भी किसी भी मुल्क को जाते हैं या किसी भी शहर रियासत जाते हैं तो अपने आप को उस गांव शहर यहां तक के मुल्क से भी जोड़ लेते हैं। खैर, कुछ मोदी वक्तों को यह बात हजम ना हो, पर अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की पढ़ाई, इनकी बचपन की कहानियां, जिसमें बाल नरेंद्र का जिक्र किया गया, फिर जवानी के वो दिन जहां पर इन्होंने चाय बेची, इनकी अभी तक उस रेलवे स्टेशन का पता नहीं चला और ना ही उनके स्कूल का पता चला जहां पर पढ़ाई की है। इस पर कुछ लोगों ने आरटीआई भी दाखिल की थी, पर प्रधानमंत्री के किसी भी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के कोई दस्तावेज मैसर नहीं। अक्सर यह कहा जाता है कि स्टेशन में चाय बेचने वालों की सभी को इजाजत नहीं दी जाती, और जो भी बेचते हैं इनके नामों को रेलवे स्टेशन इंतजामिया के दफ्तर में या चाय बेचने वालों की फहरिस्त में नाम दर्ज होता है, इनके दफ्तरों में इसका नाम दर्ज हुआ होता है, पर गुजरात के उस रेलवे स्टेशन पर इनकी किसी तरह की भी इत्तलात मैसर नहीं। खैर, इसके बाद इनकी डिग्री को लेकर भी काफी बहस मुबासे हुए, आखिर किस कॉलेज से प्रधानमंत्री पढ़े हैं या डिग्री हासिल की है इसकी भी तफसीलात कहीं पर नहीं मिले, और ना ही कोई इनके साथ पढ़ा हुआ कोई शख्स यानी कि इनका दोस्त जो मिलकर स्कूल या कॉलेज में गए हों। इस पर भी रवीश कुमार और कन्हैया कुमार ने तमाम बातों को रखते हुए, आखिर हमेशा 20-22 साल में ही सब कुछ करने की बात प्रधानमंत्री कहते तो दिखाई देते हैं, पर 20-22 साल की उम्र में आखिर क्या क्या कारनामे इन्होंने अंजाम दिए, ऐसा सवाल भी किया गया। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 20-22 साल की उम्र में हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर जाकर बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल जाने की बात कही, जिसके बाद प्रधानमंत्री का झूठ फिर से बेनकाब हुआ। यह बात और है कि इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या यह ठीक है कि देश का प्रधानमंत्री जहां भी जाए कुछ भी बोलकर आए? ताज्जुब तो इस बात का है कि इनकी जिंदगी पर लिखी किताब में भी यह दर्ज नहीं है कि बांग्लादेश के मुजाहिदे आजादी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी है। कभी कभी खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने की बात करते हैं तो कभी 20-22 साल में पहाड़ों जंगलों में जाने की बात करते हैं तो कभी बांग्लादेश के लिए जेल जाने की बात करते। वैसे दिगर कई बयान है जिन पर भी काफी फजीयत हुई है, जैसे गटर से गैस पैदा करना, बादलों की वजह से फाइटर जेट रडार पर ना आना, सबसे पहले डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल भी खुद नरेंद्र मोदी ने करने का दावा किया था, पर जब तहकीक हुई तो पता चला कि जब मोदी ने डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल का वक्त 1987 बताया, जबकि इंटरनेट भारत में आया 1995, कहने का मतलब ऐसे कई सारे बयान थे जिस पर कह कर फंस जाते हैं पर कहना बंद नहीं करते। लेकिन मेरा मोदी भक्तों से सवाल है, क्या यह तमाम बातें देश के आला मकाम पर फाइज उस शख्स के लिए जेब देती है? कब तक यूं ही अंधभक्ति में लीन होकर नमो नमो का जप करते रहोगे? किसी एक समाज की दुश्मनी में देश को कहां तक ले आए हम? खैर, एक बार फिर सोशल मीडिया पर बांग्लादेश दौरे के बहाने पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये भी काबिले तवज्जो है कि बांग्लादेश दौरा यूं ही नहीं किया गया, बंगाल चुनाव के मद्देनजर बांग्ला वोटरों को रिझाने के लिए बांग्लादेश का दौरा प्रधानमंत्री की जानिब से किया। इस पर खैर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन में फरियाद दर्ज की है। बंगाल चुनाव में भी पूरी मोदी सरकार अपनी कुव्वत लगा चुकी है, आसाम में भी आज ईवीएम मशीन की धांधली सामने आई है।
इससे पहले भी बंगाल में भी इसी तरह की वारदात देखी जा चुकी है। कहने का मतलब जब वाकई चुनाव आयोग के सामने मामले आ रहे हैं तो यकीनन ईवीएम में कहीं तो कुछ ना कुछ मैनेज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 4 अफसरों को सस्पेंड जरूर किया है, पर मामला महज इतना नहीं है। भाजपा की जीत पर पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं, कहीं इसमें सच्चाई नजर आती जा रही है। पकड़े तो 4 लोग गए हैं, पर कितनी जगह पर धांधली कामयाब भी हुई होगी, लिहाजा ईवीएम पर भी सोचना जरूरी है। बंगाल में कल सीआरपीएफ के लिबास में भाजपा कारकुनों को पाए जाने का इल्जाम लगाया गया। खैर जो भी हो, पर लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। मान लो अगर ममता बनर्जी हार गई तो क्या भारत में लोकतंत्र बचा रहेगा? आखिर विपक्ष है कहां? कौन है जो सरकार से सवाल करेगा? लोकतंत्र की पहचान ही एक है, सत्ता से सवाल करने वाला विपक्ष मजबूत हो। पर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष खत्म हो रहा है और कमजोर विपक्ष की आवाज कहीं तो दब रही है। शायद मोदी भक्तों को यह अच्छा ना लगे, पर कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी। अंधभक्ति का चश्मा जब आंखों से निकल जाएगा, ऐसा ना हो कि तब तक हम सब कुछ गवा चुके होंगे। कोरोना मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम अल्फाजों को फिर से दोहराया जा रहा। अक्सर देखा जा रहा है कि आवाम किसी तरह के एहतियात नहीं बरत रही, लिहाजा पॉजिटिव मामले बढ़ने के बाद कही जा रही है हुकूमत ने इसी के मद्देनजर फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला नए गाइडलाइन के तहत लिया गया। पहली से 9वीं तक के क्लासेस बंद होंगे, ऐसा वजीर आला एडियुरप्पा ने एक ऐलान के जरिए कहा है। भिंडी बाजार में वाकया, हजरत सैयद उमर बाशुबान रहमतुल्लाह अलैह का संदल उर्स शरीफ कल बाद मगरिब मनाया गया। सैयद बाबा साहब दादा पशाश इनामदार के घर से संदल शरीफ का आगाज हुआ। इस वक्त सैयद तनवीर बाबा साहब बाशुबान इनामदार, सैयद शाहिद बाशुबान इनामदार, सैयद नजीर इनामदार, सैयद आफ्ताब इनामदार और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। वड़गांव की मशहूर दरगाह हजरत सैयद पीर निजामुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 307वां उर्स संदल शरीफ का अवामी इजलास मुनक्किद किया गया था, पर मौजूदा हालात यानी कि कोरोना के मद्देनजर अवामी इजलासों पर हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदियां ऐद की गई है, जिसके लिए दरगाह इंतजामिया कमेटी माजरत ख्वाह है। लिहाजा जायरीन और मोहिबान अवलिया से गुजारिश की है कि बरोज इतवार संदल उर्स और कवाली के तमाम अवामी इजलासों को रद्द किया गया। इसकी इत्तला आप सभी को दी जा रही है। खैर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।